नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इडली की रेसिपी। एकदम नई रेसिपी के साथ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बार इस रेसिपी से आप अगर इडली बना लिए ना फ्रेंड्स, तो बार बार इसी रेसिपी से बनाएंगे। एकदम हेल्दी, एकदम टेस्टी बनाने वाली हूँ मैं। इसमें ना मैंने इनो डाला है, ना ही मैंने इसमें खाने वाला सोडा डाला है। एकदम आसान रेसिपी से एकदम हेल्दी और टेस्टी बनाने वाली हूँ। एकदम कम तेल में मैं बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है चना का दाल। आप किसी भी मेजरमेंट से इसको मेजर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक कटोरी लिया है, 200 ग्राम का कटोरी है। अब इसी मेजरमेंट से मैं सारा सामान डालूंगी। अब इसमें मैं उसी कटोरी से मेजरमेंट से मैं उड़द का दाल डाल दूंगी। अब इसी कटोरी से मैंने आधा कटोरी डाल दी हूँ मूँग दाल। अब यहाँ मैंने ले लिया है उसी कटोरी से आधा कटोरी उड़द का दाल। इसमें मैं डाल दूंगी 2 चम्मच, इसमें डालूंगी मैं मेथी दाना। मेथी दाना से क्या हो, गैस नहीं बनता है। यहाँ मैंने 150 ग्राम का कप लिया था, उसी कप से मैंने 3 कप चावल डाल दिया है। इसको अच्छे से मैं मिला करके ले लेती हूँ। इसमें मैंने चावल का मात्रा कम किया है और दाल का मात्रा ज़्यादा किया है, क्योंकि इसमें मैंने सारे वैरायटी के दाल जितना मेरे पास था मैंने सारा डाल दिया है। अब मैं इसको पानी में डाल के 3 से 4 बार अच्छे से पहले धो लूँगी, या इसका जो ऊपर का कचरा रहे सब निकल जाए। यहाँ मैंने धो लिया है अच्छे से। अब इसको मैं अच्छे से पानी ऊपर तक भर देती हूँ। इसको मैंने रात भर के लिए भिगा करके इसमें उसको मुझे रखना है अच्छे से, ताकि ये फूल जाए। अब इसको मैं ढक करके रात भर के लिए भिगा करके रख देती हूँ। थोड़ा मिक्सर ख़राब हो गया था, उसके लिए मैंने जो पीसा है दाल को वो नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन उसको रात भर के लिए मैंने भिगा करके रखा था। अब पीसने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि मैं पीसने का दिखा नहीं पाई हूँ। लेकिन मैंने दाल को अच्छे से पीस करके ले लिया है। अब इसमें मैं मात्रा के हिसाब से नमक डाल दूंगी। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से नमक को मिला करके ले लेने का है, अच्छे से इस तरह से मिला करके अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंटने का है। आप चाहे तो पीसने के बाद इसमें दही भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से इस तरह से फेंटते हुए ले लेने का है। यह मैंने फेंट करके ले लिया है। इसमें मैंने पानी अभी नहीं डाला है बिल्कुल, अब पानी मुझे डालना भी नहीं है। इसी तरह से इसका कंसिस्टेंसी रहेगा, ज़्यादा ये पतला नहीं करना है इसको, क्योंकि हमको इडली बनाना है। इडली का बर्तन मैंने ले लिया है, उसमें सारा अच्छे से तेल लगा करके मैंने ले लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें सारा डाल के सेट करूँगी। थोड़ा थोड़ा ही डालना है, क्योंकि बनने के बाद ये साइज इसका बड़ा हो जाता है। इस तरह से डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम हाथ से इसको धीरे धीरे टैप करके ले लेंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से इसको हम टैप कर देंगे तो ये अच्छे से क्या हम डालेंगे उसके बाद फैल जाता है। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, मैंने ज़्यादा पतला नहीं किया है, आप देख सकते हैं। अब इस तरह से मैंने सारा इडली के बर्तन में सारा सेट कर दिया। इसको उबलते हुए इडली के बर्तन में ऊपर से मैंने सारा इसी तरह से डाल के सब सेट कर दिया। इसको 8 से 10 मिनट तक इस तरह से गैस का फ्लेम फास्ट करके मैंने पका लिया। अब इसको मैं चेक करके ले लेती हूँ एक बार। आप टूथ पिक या नाइफ की मदद से इस तरह से चेक कर लिए तो आप देख सकते हैं एकदम मेरा इडली बनके तैयार हो गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए मैं सारा रख देती हूँ, अच्छे से ठंडा होने देती हूँ। अब इसको मैं निकाल करके आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, इतना अच्छा इडली बनके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं एकदम जालीदार बना हुआ है। ना मैंने इसमें इनो डाला था और ना ही मैंने इसमें सोडा डाला है। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से बनके तैयार हो गया है, चिपका भी नहीं है, एकदम छोड़ दिया है, एकदम सॉफ्ट बना है। इसको पीसने के बाद 5 से 6 घंटे तक आप इसको पीसने के बाद भी छोड़ सकते हैं। छोड़ देंगे ना तो क्या वो अच्छे से आपका इडली बनके सॉफ्ट तैयार होगा। अब यहाँ मैंने इसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई रख दिया गैस पे, इस पर तेल डाल दिया है, जीरा सरसों और कड़ी पत्ते का 2-3 डंडी, 3 से 4
मिर्च को मैंने लंबे लंबे साइज में कट करके डाल दिया है। आपका अगर मन हो तो आप फ्राई करके इस तरह से थोड़ा सा इसको फ्राई करके खा लें, सेलो फ्राई, या तो आप वैसे भी खा सकते हैं। इसमें मैं हल्दी पाउडर डालूंगी, अच्छे से थोड़ा हल्दी को पका के ले लेती हूँ। इसमें सारा इडली जो मैंने बना के रखा था सारा इसमें डाल दूँ। डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करके ले लेने का है। बहुत ही टेस्टी लगता है फ्राई करने के बाद, इस तरह से सेलो फ्राई करने के बाद। वैसे भी आप खा सकते हैं, मेरे घर में इस तरह से मैंने बनाया था, सबको बहुत पसंद आया। और कितना हेल्दी है, मैंने कितना इसमें दाल डाला है, कितनी वैरायटी का दाल डाला है, एकदम हेल्दी एकदम टेस्टी लगता है खाने में। मेरा इडली गर्मा गर्म बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स, तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी से बनाइएगा। इसमें आप ढेर सारे दाल डालेंगे ना तो इससे क्या है, विटामिन प्रोटीन सब मिलेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर आपकी मर्जी हो तो आप, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप थोड़ा इसमें खाने वाला सोडा डाल सकते हैं, नहीं आपके पास अगर टाइम है तो उसको 5 से 6 घंटे के लिए पीस करके छोड़ दें। इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, दही वगैरह डाल सकते हैं, नींबू वगैरह, उस बाकी आप इसमें आप सोडा इनो कुछ मत डालें, जल्दी हो तब डालें, नहीं जल्दी हो तो आप 5 से 6 घंटे थोड़ा दही नींबू डाल करके भी छोड़ देंगे तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और स्पंजी आपकी इडली बनके तैयार हो जाएगी। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट ज़रूर कर दिया करिएगा। और वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं आपको ये तोड़ करके भी दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से एकदम जालीदार अंदर तक एकदम बन के तैयार हो गया है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।